गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेट 1080 एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस ए टू जेड पीवाई क्यूज। और आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ मस्त तरीके से आप लोग के क्वेश्चंस अप्लाई कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो धीरे धीरे करके और अच्छे हो रहे होंगे। सो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। और फटाफट से एक बार अगर लिंक शेयर ना किया हो आप लोगों ने, जल्दी इस सेशन का लिंक जो है ना वो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो लोग भी इस क्लास तक आ सकते हैं उनके पास में सेशन का लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार लिंक आप लोग शेयर कर दो अपने एंड से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आ जाओ फटाफट से, लिंक शेयर कर दो। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जगा लो भाई सबको, क्या तो सवेरा हो गया, अब तो उठ जाओ। अगर अभी नहीं उठे तो फिर एक साल बाद क्या करोगे। सो जो क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर रहे थे उसके आगे आज बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो कल बेसिकली हम लोगों ने अपना कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और क्वेश्चन देखने में भी आपको आसान लग रहे हैं, बीच बीच कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा था वो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेंड करते हुए चलिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि जो आप अभी साथ मेरे साथ में कर रहे हैं क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप बाद में इन फ्यूचर अभी, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद, इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करोगे। ठीक है, इनको रिवाइज करोगे और ये ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करिएगा, कहीं पर भी आपको कोई भी सॉल्यूशन रटना नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज सॉल्यूशन रट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपने बिल्डअप कर लिया तो अगर क्वेश्चंस में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी किया जाएगा तो आप उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट को मोल्ड कर सकते हो। और पीवाईक्यू लगाने का मेन पर्पस यही होता है, मतलब ऐसा किसी गेट के प्रोफेसर ने ऐसा पहले सोचा हुआ है और ऐसा क्वेश्चन का डिजाइन किया जा चुका है तो अब इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो वे एक एक्सपेक्टेशंस भी आपको यहां से गेस करनी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं सारे के सारे IITs में गेट के बनाए हुए क्वेश्चन, ठीक है, और आए हुए क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी ये चीजें सोची जा चुकी है। तो आप लोगों को अपना ब्रेन का लेवल इतना रखना है कि अब इसके बाद क्या हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो एक गेस भी आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है ना, बिकॉज अभी जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वहां पर धीरे धीरे करके आपके पास में क्या है, चीजें जो होंगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट भी होंगी। ओके, आलो पेंडल का डाउट है क्लास में ही पूछना, ठीक है, बिकॉज आधे लोगों को पेंडल यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो पेंडल का डाउट अगर क्लास में पूछोगे मेरे को लगा ज्यादा बेटर रहेगा। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, बाकी अपना आते रहेंगे, है ना। सो कल जहां तक हम लोग कर चुके थे उसके आगे आज बातचीत करते हैं। कल ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, आपको ध्यान होगा, ठीक है, IIT बॉम्बे का क्वेश्चन था हमारे पास में, इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। हाँ जी, तो इसका हमारे हिसाब से फर्स्ट पार्ट हो गया था कमेंट विद द रीजन रीजनिंग अबाउट द हीट ट्रांसफर रेट्स विद एंड विदाउट इंसुलेशन। ठीक है ना, हीट ट्रांसफर रेट विद एंड विदाउट इंसुलेशन में क्या होने वाला है ये हमने देख लिया था। ठीक है, कि विद इंसुलेशन में हीट ट्रांसफर रेट हमारे पास जो रहेगा और विदाउट इंसुलेशन में हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट जो है वो बढ़ जा रहा है, एक चीज तो हमने ये देख ली थी। दूसरा वो हमसे जानना चाह रहा था कि इफ द सेम इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस अबव व्हिच देयर इज अ रिडक्शन इन इट, इफ द सेम इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड What is the minimum thickness above which there is a reduction in heat loss as compared to the bare pipe? तो minimum thickness हमें कितनी रखनी है जिसके बाद हमारे पास में क्या है, heat loss हमारे पास में क्या है, अगर same insulating material हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो minimum thickness हम कितनी रखें, ठीक है ना, जिसके बाद हमारे पास में क्या है, आपसे वो बात कर रहा था, above which there is a reduction in heat loss as compared to the bare pipe. तो bare pipe के comparison में हमारे पास में क्या है, heat loss जो है वो क्या हो जाए आपका, रिड्यूस करने लगे। ठीक है ना, तो वो कंडीशन भी हमने कल कैलकुलेट करके निकाली थी। थर्ड पार्ट की हमसे जो बात कर रहा है कि फॉर ऑप्टिमम डिजाइन,
व्हाट कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डू यू सजेस्ट फॉर द कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट मैंने आपसे बोल रहा था कि इसको आप लोग ट्राई करके देखेगा, अटेम्प्ट करके देखेगा। तो हमारे पास सीधे सीधे देखो बात कर रहा है, देखो ऑप्टिमम डिजाइन क्या होगा, अगर कोई भी पाइप है और पाइप से अगर आप ये चाहते हो कि आपका हीट लॉस जो है वो कम हो, दैट्स द ऑप्टिमम डिजाइन ना। तो हम सभी जानते हैं कि अगर ऑप्टिमम डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास में जो क्रिटिकल हमारे पास में जो रेडियस हमारे पास में है, तो अगर वो क्रिटिकल रेडियस की वैल्यू अगर हमारे पास में क्या है, पाइप की जो हमारे पास में जो आउटर रेडियस है अगर क्या होती है, पाइप की आउटर रेडियस से अगर कम होती है, क्या होता है अगर हमारे पास में क्या लिखा है शिवम, तुम्हारा कमेंट अभी पूरा नहीं आ रहा मेरे पास में, चलो मैं बाद में ले लूंगा। तो हमारे पास में ऑप्टिमम डिजाइन का मीनिंग ये है कि हमारे पास में जो क्रिटिकल रेडियस है वो इतनी होनी चाहिए ताकि अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल लगाने के साथ में हमारा हीट लॉस क्या है, दैट शुड बी रिड्यूस। क्या होना चाहिए वो हीट लॉस हमारा क्या है, रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास में अगर वो ऑप्टिमम डिजाइन हमारे पास में है, तो उस कंडीशन में देखो सिंपल से चीज जानना चाहता है कि व्हाट कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डू यू सजेस्ट। तो इंसुलेटिंग मटेरियल की हमारे पास कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि हमें प्रॉब्लम में कंडीशन दे रहा है। तो प्रॉब्लम में कंडीशन के हिसाब से जो उसने बोला है कि पाइप है जिसका 20 mm इनर डायमीटर है, 30 mm आउटर डायमीटर है। तो अगर हमारे पास में आउटर डायमीटर, ध्यान समझिएगा, अगर हम ये मान के चले बिकॉज हमें पता चल रहा है क्रिटिकल रेडियस के बाद हीट लॉस रिड्यूस कर रहा है, यस और नो, क्रिटिकल रेडियस के बाद हीट लॉस रिड्यूस कर रहा है। तो अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास में हमारा आउटर रेडियस पाइप का, अगर आउटर रेडियस अगर क्रिटिकल रेडियस के बराबर हो जाए, तो अगर हमारा पाइप का ही आउटर रेडियस जो अभी है और वही अगर क्रिटिकल रेडियस होता, तब समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास अगर कोई पाइप है, बेयर पाइप है, और आप ध्यान से देखिए जरा, ये जो बेयर पाइप है इसके बाद हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया, हमने वहां पर पैसा वेस्ट किया, और पैसा वेस्ट करने के बाद में इतनी थिकनेस तक तो हीट लॉस इंक्रीज कर रहा था और उसके बाद रिड्यूस कर रहा था। तो समझने का मतलब ये है कि अगर ये आरसी की वैल्यू खिसक करके यहीं पर ना आ जाए, अगर ये आरसी क्रिटिकल रेडियस की वैल्यू अगर शिफ्ट होकर के यहीं पर आ जाए, तो हमारे लिए क्या होगा, इसी के बाद में जस्ट हमारा हीट लॉस रिड्यूस करने लगेगा, हाँ या ना, इसी के जस्ट बाद हमारे पास हीट लॉस रिड्यूस करने लगेगा, बस यही वो जानना चाहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि अगर ये हमारे पास शिफ्ट होकर के यहीं पर अगर आ जाए, इस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑप्टिमम डिजाइन, क्योंकि हमारा ये मटेरियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये मटेरियल कॉस्ट जो हमारा होगा वो बच जाएगा, दैट्स ऑप्टिमम डिजाइन, क्लियर है। तो उस कंडीशन में हमसे कंडक्टिविटी को जानना चाहता है। चलो जी, तो निकाल लेते हैं जरा ध्यान से देखो जरा, तो कंडक्टिविटी हमको निकालने के लिए वो बात कर रहा है। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करें, थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो थर्ड केस के लिए कंडक्टिविटी जो जानना चाहता है, सो क्रिटिकल रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, दैट इज K2 ओवर का H नॉट, ये हमसे कंडक्टिविटी को जानना चाहता है। मैंने बता दिया आपको कि क्रिटिकल रेडियस हमारी अगर क्या हो जाए ऑप्टिमम डिजाइन को सोचते हुए, तो ऑप्टिमम डिजाइन हमारे पास है मतलब क्रिटिकल रेडियस आउटर रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब अगर RC इज इक्वल टू हमारे पास R2 हो जाए, तो पाइप का हमारा आउटर मोस्ट रेडियस है उसकी बात की जा रही है, अगर उसके बराबर हो जाती है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 mm था हमारे पास आउटर रेडियस डायमीटर, मतलब 15 mm, 15 mm का मतलब हो गया 0.015 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, K2 हमें निकालना है, एंड एच नॉट हमारे पास जो है सराउंडिंग का 3 W/m² डिग्री सेंटीग्रेड, समझ आ रहा है बेटा, 3 W/m² डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ K2 विल बी, K2 का वैल्यू निकाली कितना आ रहा है हमारे पास में, द बिकम्स 0.045 W/m². सबका आ गया, सबने निकाला था ये चीज, सर PDF में जो ऐप में है उसमें 2000 kW बढ़ के PYQ है, 90s के नहीं है, नहीं 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 वेंकट समझने का ट्राई करो मैं क्या समझा के आ रहा हूँ, ठीक है ना, समझने का ट्राई करो मैं क्या समझा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग को खोलो मैं क्या समझा रहा हूँ। ये देखो हमारी आउटर मोस्ट रेडियस होती है,
यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी 15 mm, 15 mm हमारे पास में आउटर मोस्ट रेडियस है, आउटर मोस्ट मतलब समझ रहे हो ना, विदाउट इंसुलेटिंग मटेरियल, 30 mm पाइप का हमारा आउटर डायमीटर, आउटर रेडियस, पाइप की आउटर रेडियस थी हमारी 30 mm, मतलब 15 mm। तो 15 mm के बाद हमने क्या किया है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल जब आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली आप उसमें कुछ ना कुछ पैसा वेस्ट करेंगे। तो आपने इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया, इंसुलेटिंग मटेरियल आपने लगाना स्टार्ट किया तो पता चला भाई साहब यहाँ तो कुछ और ही कांड होने लगा, हीट लॉस बढ़ने लगा। अब हीट लॉस बढ़ते बढ़ते तो आपने इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते गए लगाते गए लगाते गए, तब जाकर के 50 mm ऐसी कंडीशन आई थी जहां पर हमारे पास में क्या है, हीट लॉस हमारे पास में क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ था। अब उसके बाद अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगाएंगे तब हीट लॉस हमारा घटेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका पर्पज है हीट लॉस को घटाना, तो हीट लॉस को घटाने के लिए आपको 50 mm से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंसुलेटिंग मटेरियल, तब जाकर के हीट लॉस घटेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, मैंने ये बोला कि अगर ऑप्टिमम डिजाइन चाहिए, ऑप्टिमम डिजाइन का मतलब समझते हो ना, मतलब हीट लॉस भी हमारा कम हो जाए और हमें क्या करना पड़े, हमें इंसुलेटिंग मटेरियल भी ज्यादा ना लगाना पड़े, तो वो ऑप्टिमम डिजाइन हुई कि हमारा हीट लॉस जो पर्पस है हीट लॉस कम करना, तो हीट लॉस कम भी हो जाए और हमें इंसुलेटिंग मटेरियल भी ज्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े। तो हमारा अगर ऐसी कंडीशन है तो जो क्रिटिकल रेडियस की वैल्यू हमारी आउटसाइड द पाइप आ रही थी, जो क्रिटिकल रेडियस की वैल्यू जो आउटसाइड द पाइप आ रही थी, अगर वो क्रिटिकल रेडियस हमारे पास में क्या है, विद इन अ पाइप या इनसाइड द पाइप आ जाए, तो हमारे पास में इनसाइड द पाइप कहां पर ले लें सर, बिकॉज हमारे पास तो ऐसा कुछ जस्टिफाइड नहीं है कि विद इन अ पाइप कहां ले लें फिर, ठीक है ना। तो हमने ये ले लिया अगर कंडीशन, ऑप्टिमम डिजाइन को अगर ये ले लिया कि हमें इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल ही ना करना पड़े और हमारा काम बन जाए, हमारा हीट लॉस कम हो जाए, तो हमारा क्या है, पाइप का आउटर रेडियस कितना हो। तो हमने अगर ये ले लिया कि हमारा जो आउटर रेडियस है अगर वो क्रिटिकल रेडियस के बराबर हो, मतलब अगर क्रिटिकल रेडियस आउटर रेडियस पर ही मिल जाए मुझे, ठीक है ना, अगर ये क्रिटिकल रेडियस आउटर रेडियस पर ही मिल जाए, आउटर रेडियस ऑफ पाइप, इंसुलेशन लगाने की नीड ही ना पड़े, अगर आप इंसुलेशन लगाओगे तब बेटा हमारे पास ना करके वो क्या होगी, 50 mm होगी, समझ में आ रहा है। तो हमारा अगर ये क्या क्रिटिकल रेडियस अगर आउटर रेडियस पर ही मिल जाए तो ये कंडीशन हो गई RC इज इक्वल टू R2 की, पाइप का रेडियस है या R3 हमारा होता है इंसुलेशन लगाने के बाद का रेडियस। मुझे तो इंसुलेशन लगाना ही नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इंसुलेशन का पैसा बच जाए। तो इंसुलेशन पैसे अगर बचाना चाहते हैं तो हमारे पास जो आउटर रेडियस पाइप की होगी अगर वहीं पर क्रिटिकल रेडियस मिल जाती है तो हम क्या करें, तो एक्चुअली कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए मटेरियल की, ठीक है। तो मटेरियल कंडक्टिविटी हमारे पास देखो अभी जो थी, तो अभी हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे उसकी कंडक्टिविटी थी 0.15। तो इसकी कंडक्टिविटी कम होने की वजह से हमारे पास में क्या था, आपको इसका इंसुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा था, है ना। अगर वही हम क्या करें, अगर ज्यादा कंडक्टिविटी का मटेरियल इस्तेमाल कर लें, ज्यादा कंडक्टिविटी का मटेरियल इस्तेमाल कर लें, बिकॉज आपको पता है कि आपको अगर किसी पाइप से हीट लॉस कम करना है, तो आपको बताया था मैंने कि आपके पास में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका कंडक्टिविटी क्या है, पहले ज्यादा लगाइए, पहले ज्यादा कंडक्टिविटी का फिर कम कंडक्टिविटी का, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास हीट लॉस कम हो जाता है। कंडीशन पढ़ाई है मैंने कि अगर आपको किसी पाइप से हीट लॉस कम करना है तो आपको अगर दो मटेरियल का सिलेक्शन करना है तो पहले हम लगाते हैं ज्यादा कंडक्टिविटी का मटेरियल, देन लगाते हैं हमारे पास कम कंडक्टिविटी का मटेरियल, राइट। यस, ठीक है। तो हमारे पास अगर आउटर रेडियस पर ही क्रिटिकल रेडियस मैंने ले ली, इस कंडीशन पर अगर ये क्रिटिकल रेडियस मेरे पास में है, तो इस कंडीशन पर अगर इसी को मैं क्रिटिकल रेडियस मान के चलूं, जो पाइप का आउटर डायमीटर है, ठीक है ना, अगर मैं इसी को क्रिटिकल रेडियस मान के चलूं तो मटेरियल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज हमारे पास 0.045 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ऑब्वियसली बात हमारे पास है, मटेरियल कंडक्टिविटी हमको इंक्रीज कर दिया। चलो, ये क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब न्यू क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज 1994 का हमारे पास क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर का, ठीक है, 10वां क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। शिवम तुमको PDF मिल नहीं पा रही एक्चुअली, ठीक है, जो तुम PDF ढूंढ रहे हो जाकर के वो PYQ सेक्शन में ढूंढ रहे हो, मैं उस PDF की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कल मैं तुमको बताया है हर चीज कि एक्चुअली PDF तुमको कहाँ से मिलेगी, तो PDF वहां से जाकर के डाउनलोड करो। मैंने तुमसे क्या बोला था कि फ्री क्लास के अंदर जाओ, फ्री कोर्स के अंदर जाओ, फ्री कोर्स के अंदर तुमको दिखेगा, फटाफट जाकर के देखो, चेक करो, फ्री कोर्स के अंदर जाओगे तो वहां पर तुमको दिखेगा A to Z PYQs of heat transfer, ये कोर्स दिखेगा तुमको। इस कोर्स में जाओ, क्लिक करके इस कोर्स के अंदर जाओगे तो तुमको दिख रहा होगा लाइव रिकॉर्डेड और डाउट, ऐसा तीन ऊपर सेक्शन दिख रहे होंगे। तो लाइव में तुमको जो है ना दो वीडियो दिख रहे होंगे आपको आने वाले, जो कि अभी है नहीं, है ना, एक दिख रहा होगा लेक्चर नंबर 2, एक दिख रहा होगा लेक्चर नंबर 3 लाइव में।
उसके बाद रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्डेड में जाकर के देखोगे सबसे ऊपर ही तुम्हारे पास में पीडीएफ पड़ी है, रिकॉर्डेड में सबसे ऊपर ही तुमको पीडीएफ दिखेगी, वो पीडीएफ है जिसमें साफ साफ लिखा है ए टू जेड पीवाईक्यूज ऑफ हीट ट्रांसफर। जो तुम डाउनलोड कर रहे हो वो 2000 वाली वो पीवाईक्यू सेक्शन में पड़ी हुई है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आ जाओ, मेटल वायर ऑफ 0.1, अच्छा 0.1 बहुत खिसक गया, मेटल वायर ऑफ 0.1 मीटर डायमीटर एंड थर्मल कंडक्टिविटी 200 वाट पर मीटर केल्विन इज एक्सपोज्ड टू अ फ्लूइड स्ट्रीम विद अ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन द बायोट नंबर इज। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, देखो इसको बनाने में बहुत ही केयर मैंने रखी है, लेकिन बाई चांस अगर कहीं भी आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलती है, कोई डेटा मिसिंग मिलता है, सो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताओ ताकि ये पीडीएफ आपके करेक्ट हो सके, और वो पीडीएफ करेक्ट होकर के आपकी वहीं पर करेक्ट होकर के अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो बाई चांस कहीं भी आपको अगर लगता है कोई डेटा मिसिंग है या फिर कोई हो सकता है ना बाई चांस, भाई 0.1 है, अगर जरा से एक स्पेस दब गया, अगर या फिर बैक स्पेस दब गया तो ये 0.1 का 1 भी हो सकता है। तो अगर कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है, बिकॉज आप लोग क्वेश्चन जब लगाते हो तो वहां पर आपको क्वेश्चन अगर आप कहीं और से जब देख लेते हो तो आपको दिखता है कि हाँ ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, फिर मिस्टेक है, तो अगर ऐसी कोई भी मिस्टेक आपको दिख रही है तो मेरे को बताओ, ठीक है, ताकि वो आपको करेक्ट कर सकूं, तो इन फ्यूचर जो है ना वो मिस्टेक आपकी सही हो सके। तो मेटल वायर का हमारे पास डायमीटर पता है, कंडक्टिविटी पता है, और उसको बोल रहा है कि फ्लूइड स्ट्रीम में एक्सपोज किया जा रहा है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी गिवन है, पाइवट नंबर कितना होगा, बहुत ही आसान से जल्दी से बता दो आंसर कितना आएगा। कितना आएगा, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास बात कर रहा है किसके लिए, वायर के लिए, तो हमें पता है कि जो बायोट नंबर हम इस्तेमाल करते हैं, बायोट नंबर हमारे पास में क्या है, दैट इज हमारे पास में एच, दूसरा हमारे पास ओवर के, कंडक्टिविटी या सॉलिड की बात होती है। अब यहां पर हम क्या करें, जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हम लिखना चाहते हैं, तो एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट तो हमारे पास पता है, जो लेंथ तो हम लिखने जाते हैं, दैट इज हमारे पास में है वॉल्यूम ओवर एरिया, ठीक है ना, बायोट नंबर में यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कन्वेक्शन के लिए अलग होती है हमारे पास में, तो आप वॉल्यूम ओवर एरिया बार बार निकालने की नीड नहीं, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर हमारे पास स्फीयर है तो हम क्या लें, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, अगर हमारे पास सिलेंडर है तो हम क्या लें, तो ऑब्वियसली हमारे पास में अगर सिलेंडर की हम बात करने जा रहे हैं तो क्रिटिकल रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज हमारे पास डी बाई फोर कर लीजिए या फिर आर बाई टू कर लीजिए, तो सीधे हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डी बाई फोर कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज गिवन, दैट इज 100 इनटू हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाएगी, डायमीटर इज गिवन, दैट इज 0.1 ओवर हमारे पास 4 आ गया, डी बाई 4 कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो गई, कंडक्टिविटी इज आल्सो गिवन, कंडक्टिविटी इज 200 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके निकालेंगे, यहां से हमारे पास बायोट नंबर की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, बी पार्ट 0.0125 आ गया सभी का, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ये देख रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे को यहां पर दिख रहे हैं सारे के सारे प्राइम के दिख रहे हैं, मतलब किसी को फ्री में कंटेंट चाहिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जितने भी स्टूडेंट मेरे को यहां पर दिख रहे हैं सारे के सारे प्राइम के दिख रहे हैं, सिवन को छोड़ करके, मतलब फ्री कंटेंट किसी को आजकल चाहिए नहीं, इतना असर दे चुके हो, और पहली चीज ये होती है बच्चों के अंदर में कि सर पीडीएफ दे दो बाकी जो है ना हम खुद कर लेंगे, तो पीडीएफ सबको मिल चुकी है, ठीक है, तो बाकी अब क्लास में आने की नीड किसी को नहीं, बिकॉज ये स्ट्रेंथ सुबह सुबह उठ करके आधी नींद खराब करके जब मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत बुरा लगता है यार, तो ये स्ट्रेंथ यार मेंटेन करने का ट्राई करो, मतलब फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या जादू दिखाने वाला रहता हूं मैं कि फर्स्ट लेक्चर में बच्चे जो है ना इतना मतलब की भर भर के आएंगे कि उनको ऐसा लगता है अरे क्या बात है आज पता नहीं क्या मिलने वाला है, लेकिन उसके बाद जोश ऐसा डाउन होता है कि जस्ट स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है। इसी चक्कर मैंने हीट ट्रांसफर जो है ना लास्ट टाइम भी मैंने हीट ट्रांसफर इसीलिए बीच में बंद किया था, क्योंकि चीज है हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग ही हमारा जुनून और जोश हो, ठीक है, अगर आपको चाहिए अगर तो अगर वो चाह अगर दिखती है, अगर डिमांड दिखती है, तो ऑब्वियसली हमें देने का भी मन करता है कि नहीं चलो ठीक है यार, ये तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि चलो पीडीएफ दे दी गई काम मेरा खत्म है, ऐसा करते हैं उठा के बंद करते हैं, बिकॉज जिसको प्रॉब्लम होगी पर्सनली आगे पूछता रहेगा, बाकी पीडीएफ मिल गई है तो आराम से करते रहोगे पी वाई क्यू, और यही तुम चाहते हो कि हमें दे दो पीडीएफ बाकी हम कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, नसल नंबर बायोट नंबर की बात कर रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन हमारे पास में है। अब नसल नंबर में भी हो सकता है कंडक्शन के अंदर नहीं आता, लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन को कंडक्शन के अंदर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि यहाँ बायोट नंबर की बात की जा रही थी। तो अगर हाँ, तो अगर हम बात कर रहे हैं बायोट नंबर से, अगर नसल नंबर नहीं भी पता है, लेकिन वैसे जब मैं बायोट नंबर बताता हूँ तो वहां नसल नंबर का जिक्र जरूर करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बायोट नंबर की बात कर रहा हूँ तो हमें पता है कि लंब पैरामीटर मॉडल को डिसाइड करने के लिए
बायोड नंबर हमारा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब यहाँ पर हमारे पास में तीन ऑप्शन है, ए बी सी, ठीक है। हम इन तीनों में से अगर बात करें, एक मेरे को लग रहा है मिसिंग है यार, चार थे यहाँ पर, एक यहाँ पर मिस है, क्योंकि मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया है लास्ट टाइम, तो वहां पर चार हमारे पास ऑप्शन थे, एक यहाँ पर मिस है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तीन से ही चूज करते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। नसल नंबर की अगर बात करने जाते हैं तो हमें पता है, या फिर बायोड से स्टार्ट करते हैं, बायोड की अगर हम बात करने जाते हैं तो हमें पता है कि इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल कंडक्शन रेजिस्टेंस इन अ सॉलिड की बात की जाती है, विद इन अ सॉलिड की बात की जाती है, ठीक है। ये सॉलिड के अंदर हमारे पास इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस कैसा है, तो अगर देखें ध्यान से तो हमें पता होता है कि ये वैल्यू नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, बिकॉज बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए ताकि टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड के अंदर है वो यूनिफॉर्म हो, है ना। तो ये बात होती है सॉलिड्स के लिए। तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ओवर फ्लूइड कंडक्शन रेजिस्टेंस सॉलिड कंडक्शन रेजिस्टेंस ओवर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, हमें पता है कि एक्चुअली हम बात कर रहे हैं सॉलिड के लिए। तो सॉलिड केस में हमारे पास में क्या है, जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कंडक्टिव रेजिस्टेंस ओवर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वही बायोट नंबर कहलाता है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास में इसके लिए कौन सा पार्ट सही है, दैट इज सी पार्ट। अब आते हैं नसल नंबर में, तो नसल नंबर का फॉर्मूला भी हमारे पास में अगर ध्यान से देखो जरा, तो उसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, दैट इज हमारे पास एच इंटू कॉर्टिसिकल लेंथ ओवर हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड की बात, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड की बात की जाती है ना, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड की बात करते हैं। अब यही फॉर्मूला जब हम लोग नसल नंबर केस में लिखते हैं वहां भी यही है, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस वहां भी है, बट दैट इज वैलिड फॉर द केस ऑफ फ्लूइड। नसल नंबर में ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, दैट इज वैलिड फॉर द केस ऑफ फ्लूइड, हम ये फ्लूइड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज एच कैटास्टिकल लेंथ ओवर कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का डिफरेंस के साथ साथ यहाँ पर कैटास्टिकल लेंथ का भी डिफरेंस है। सॉलिड केस में हम कैटास्टिकल लेंथ जो लेते हैं, दैट इज वॉल्यूम ओवर एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो हम कैटास्टिकल लेंथ लेते हैं, दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोलिक डायमीटर, जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कंसिडर की जाती है। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, दैट इज इन द केस ऑफ फ्लूइड कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द हमारे पास कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो हमारे पास कहां पर दिख रहा है ये चीज, दैट इज रिटन इन द सेकंड पार्ट बी पार्ट में, ओके। यही क्वेश्चन बैंक में आया था शायद। अच्छा अभी जो हुआ था तुम्हारा इंडिया कौन सा IDBI बैंक वाला, वहां पर आया होगा। चलो ये क्वेश्चन वैसे मैं क्लास में करा चुका हूं, लेकिन इस क्वेश्चन करने का मौका अगर मिल रहा है तो दोबारा से करेंगे। नीरव कह रहा है उनका ग्रेडियंट अभी डेवलप नहीं हुआ है, उनका ग्रेडियंट अभी जीरो है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका ग्रेडियंट डेवलप है उन्हीं के साथ मूव करते हैं, जिनका डेवलप होता रहेगा, ठीक है। काफी सारे लोग जो है ना सेशन को रिकॉर्डेड मोड में करते हैं, कुछ लोग लाइव नहीं आ पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है ना कि जब ऑप्शन है रिकॉर्ड मोड में करने का, नींद क्यों खराब करें, क्यों लाइव जाएं। एन एस्बेस्टस पैड स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन मेजर्स, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट आता रहता है। अभी मैं देख रहा था एक दिन ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन डाला गया था, किसी को डाउट था, कोई पूछ रहा था, ठीक है ना। एन एस्बेस्टस पैड स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन मेजर्स 0.05 मीटर ऑन अ साइड, एक साइड में हमारे पास डायमेंशन 0.05 मीटर बात कर रहा है, एंड इंक्रीजेस लीनियरली टू 0.1 मीटर ऑन द अदर एंड, और यह क्या कर रहा है, 0.05 था और ये लीनियरली इंक्रीज होकर के यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन जस्ट डबल हो जा रही है, 0.05 से हो जा रहा है जस्ट 0.1 मीटर। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हमारे पास डबल होकर क्या हो जा रहा है, दैट इज जस्ट 0.1 × 0.1 मीटर, ठीक है ना। ऑन द अदर एंड द लेंथ ऑफ द पैड इज 0.15 मीटर, जो लेंथ ऑफ द पैड हमारे पास में है वो कितनी है, 0.15 मीटर है, ठीक है। यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या करना है अपने को नहीं पता, यहाँ पर गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन याद आया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में हमें जो कैलकुलेट करके निकालना था वो ये निकालना था कि हमारे पास में यहाँ पर जो हमारे पास में इस कंडीशन में, मतलब कि आपका जो बढ़ा हुआ जो हमारे पास एरिया है, तो वहां पर हीट फ्लो रेट क्या होगा, हमें ये कैलकुलेट करके निकालना था, ठीक है ना। ये एक दो लाइन यहाँ पर मिसिंग मेरे को लग रही है, इस क्रॉस सेक्शन से होने वाला हमें हीट फ्लो रेट की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो इसके लिए हमसे बात करना था, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ से
इस क्रॉस सेक्शन से होने वाला जो हमारे पास हीट फ्लो रेट होगा वो हमें कैलकुलेट करके निकालना था, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास में सारा का सारा डेटा तो गिवन है, तो एस्बेस्टस का जो पैड हमारे पास में है यहाँ पर केल्विन 600 है, ऑब्वियसली यहाँ पर 300 केल्विन है, तो हम सबको पता है कि जो हीट का ट्रांसफर होगा वो हाईर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, तो अगर ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली हमारे पास हीट का ट्रांसफर इधर से इधर की तरफ होगा, तो ये जो हीट का ट्रांसफर है तो ये चीज तो हमको पता है कि सर हमारे पास में हीट फ्लो रेट तो कॉन्स्टेंट रहेगा, हीट फ्लो रेट तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास में क्या है, अब गिवन क्वेश्चन के हिसाब से अगर एरिया अगर वेरी कर रहा है तो एरिया के वेरी करने से कौन कौन हीट फ्लक्स हमारा जो है वो वेरी करेगा, बिकॉज हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया की अगर मैं बात करूंगा मतलब जो हीट फ्लक्स हमारा होगा वो हमारे पास में क्या करेगा, दैट विल वेरी, है ना। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास में जो एग्जिट में हीट फ्लक्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी थी, ठीक है। तो अब उसके लिए देखो हमें करना क्या है, तो इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग करते हैं हमारे पास में, तो उसके लिए हमारे पास अब जरूरी क्या है, तो जरूरी ये है हमारे पास में कि अब इस पर्टिकुलरली वेरिंग क्रॉस सेक्शन को हम अगर देखें ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास में कि इस वेरिंग क्रॉस सेक्शन के अंदर में एरिया कैसे वेरी कर रहा है, तो हमारे पास में किसी भी तरीके से अगर एरिया का हमारे पास वेरिएशन हमें पता चल जाता है, क्योंकि ध्यान समझना जरा, हमारे पास एक एंड से दूसरे एंड तक जाने पर एरिया वेरी कर रहा है, अगर आप यहां पर खड़े हैं तो एरिया हमारे पास कांस्टेंट, अगर आप यहां पर खड़े हैं तो एरिया कांस्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हैं तो एरिया वेरी कर रहा है, तो अगर एरिया अगर वेरी कर रहा है और एरिया हमारे पास में क्या है, अगर लीनियरली अगर वेरी कर रहा है, तो एरिया का जो वेरिंग एरिया का हमारे पास में क्या है जो इक्वेशन है पहले हमें वो लिखना पड़ेगा, वेरिंग एरिया का इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन लिखा वैसे जाता है, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, द प्रोजेक्शन हमारे पास में क्या है, उस प्रोजेक्शन इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यही पहला ही टर्म सबको समझ में नहीं आता, ये प्रोजेक्शन क्या होता है। अच्छा एक चीज सोचो जरा ध्यान से, हमारे पास में एक्चुअली आपने देखा होगा कभी भी, तो जब प्रोजेक्टर चलता है, प्रोजेक्शन एक्चुअली क्या है, जब प्रोजेक्टर चलता है कहीं भी आपने देखा होगा, अपने कॉलेज के अंदर कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है या मूवी हॉल में आप देखते हो, तो जहां से भी प्रोजेक्शन निकल रहा है और जहां तक जा रहा है वहां तक कुछ ऐसे हालात होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर ये आपका मूवी का प्रोजेक्टर है और ये आपका अगर मूवी का स्क्रीन है अगर, तो प्रोजेक्शन कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, हाँ है ना। प्रोजेक्शन जो है हमारे पास ऐसा ही होता है, तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो हमारे पास में इस पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शन एरिया का जो प्रोजेक्शन हमारे पास यहाँ पर देखें, ठीक है, तो प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो बहुत ध्यान से देखो जरा, हमारे पास सपोज मान लो ये हमारा क्या है, बड़ा प्रोजेक्शन है, ये हमारे पास एरिया जो है ये बड़ा एरिया है 0.1 × 0.1 वाला। अब इसका अगर प्रोजेक्शन हम अगर यहाँ पर चेक करते हैं किसका, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया का, मतलब कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाहता हूं अगर ये छोटा वाला एरिया उठा करके मैं इसके ऊपर रखूं, ठीक है ना, ये छोटा का एरिया 0.05 × 0.05, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैं अगर इसके ऊपर रखूंगा तो बच्चा कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा ही तो आएगा, ठीक है। और इतना हमारे पास में क्या है, एरिया जो है हमारे पास में बच जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये बचा हुआ एरिया क्या है, एक्चुअली ये जो बचा हुआ एरिया है वो क्या है, तो वो अगर हम निकालने का ट्राई करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन लिखी जाती है, क्या है, फिर उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो जरा। तो वेरिंग एरिया के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आती है एरिया की, तो पहला हमारे पास में क्या था, पहला हम बात करना स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट का जो हमारे पास एरिया है वो कितना है, दैट इज 0.05, समझना ध्यान से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया 0.05। लेकिन जब इसका हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो हम चल रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग चलने पर हमको ये पता चला किस डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं, हम एक्स डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के अलोंग अगर जा रहे हैं तो हमारे पास एरिया में क्या चेंज हमको मिल रहा है, हमारे पास में एरिया में क्या चेंज हमको मिल रहा है, तो एरिया जो हमारे पास में है वो कितना 0.1 × 0.1, ये टोटल एरिया है हमारे पास, इसमें से हमारे पास में क्या है 0.05 × 0.05, ये एरिया ओवर यूनिट लेंथ अगर हमको देखना है, इसका लेंथ था आई थिंक 0.15, एक बार चेक कर लेते हैं कितना था, 0.15 था, द पैड इज 0.15 लेंथ, ठीक है ना, इसका लेंथ 0.15 है।
ये हमारे पास में आ जाएगा एरिया का प्रोजेक्शन। तो ये जो इक्वेशन लिखी जा रही है ये एक्चुअली हमारे पास में स्मॉलर से लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रोजेक्शन जब लिख रहे हैं, एरिया का वेरिएशन जब लिखा जा रहा है, तो इनिशियल एरिया प्लस हमारे पास में क्या है एक्स डायरेक्शन में एरिया का जो चेंज मिल रहा है, ठीक है ना। तो एरिया का चेंज एक्स डायरेक्शन के अलोंग कैसा मिल रहा है, तो वो हमारे पास में हो गया लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर ये एरिया में माइनस कर दे रहा हूं, और हमारे पास में किसके लिए फॉर अ यूनिट लेंथ के लिए कैसे एरिया हमारा चेंज हो रहा है, तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल करके आती है। इसके आगे के टर्म में क्या करना है ऑलरेडी हम सबको पता है। यहाँ से एक काम कर लेते हैं, हमारे पास में अब ये जो इक्वेशन निकल करके आई है यहाँ से हम कर लेते हैं अपना एरिया जो है हमारे पास में, तो इससे एक काम कर लेते हैं एक टर्म हमारे पास में कॉमन कर लेते हैं क्या 0.05, ठीक है। तो कितना हमारे पास टर्म बचेगा, तो 0.05 अगर कॉमन कर लेंगे, देख लो एक बार जरा ध्यान से ऊपर से 0.05 अगर कॉमन कर लेंगे तो अंदर जो हमारे पास टर्म बच रहा है दैट बिकम्स योर 0.05 और प्लस हमारे पास में एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो आप आराम से बैठ के, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास में ये क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.05 प्लस एक्स, ये आ गया एरिया का हमारे पास में वेरिएशन, ठीक है। एरिया जो हमारे पास में है वो हमारे पास में कैसे आपका चेंज होगा, ठीक है, वेरिएशन ऑफ एरिया। अब मेन चीज हमारे पास में क्या आती है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हीट फ्लक्स की वैल्यू। अब अगर हीट फ्लक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिंग क्रॉस सेक्शन में, इस वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर मैं क्या कर लेता हूँ, एक छोटा सा कोई क्रॉस सेक्शन है जूम कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, समझना जरा ध्यान से, ऐसा 3D शेप में बना रहा हूं, समझने का ट्राई करना जरा, ठीक है ना। ये हमारे पास वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, हमारा छोटा सा मैंने क्रॉस सेक्शन क्या कर लिया, ज़ूम कर लिया। इस क्रॉस सेक्शन की स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम पूरे पूरा जो हमारे पास एरिया की बात कर रहे हैं अगर उसकी लिमिट्स लगा देंगे तो पूरे एरिया की स्टडी हो जाएगी। तो हमेशा आपको पता है कि जब भी एक लार्जर हमारे पास में कोई भी क्रॉस सेक्शन है या वॉल्यूम है कुछ भी अगर है हमारे पास में, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा वहां पर क्या करते हैं पार्ट लेकर के उसके क्रॉस सेक्शन लेकर के स्टडी करते हैं, ठीक है ना, एक स्मॉल एलिमेंट लेकर स्टडी करते हैं, फिर उसको हिसाब से क्या करते हैं हम लिमिट लगा करके इंटीग्रेट करके क्या करते हैं पूरा हमारे पास एरिया का स्टडी हम कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास में इस फेस से कुछ ना कुछ हीट हमारा इन होगा, इस फेस से हीट इन होगा, तो हम हीट की बात ना करके हम हीट फ्लक्स की बात कर लेते, तो यहां से ऑब्वियसली हमारे पास कुछ हीट फ्लक्स जो होगा वो इन होगा। अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो मैंने लिया है एलिमेंट इसका मैं थिकनेस अगर dx अज्यूम कर लूं, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, इस फेस से कुछ हमारे पास फ्लक्स इन होगा, और बिकॉज वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है तो हमारे पास एग्जिट साइड में जो हीट फ्लक्स होगा दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो जो एग्जिट साइड में इस साइड में जो हीट फ्लक्स हमें मिलेगा दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, उसको मैंने बोल दिया दैट इज क्यू एक्स प्लस डीएक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्यू एक्स प्लस डीएक्स। तो इनलेट और हमारे पास एग्जिट का हीट फ्लक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन सर जी हीट फ्लक्स का बैलेंस हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाया क्या हमने आज तक हीट फ्लक्स का बैलेंस तो पढ़ा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर एनर्जी बैलेंस लगाने जाएंगे तो एनर्जी बैलेंस हीट फ्लो रेट की बात करता है, फ्लक्स की बात ही नहीं करता है। अब ये फ्लक्स अगर लिखा हुआ है, फ्लक्स अगर इन हो रहा है और फ्लक्स अगर आउट हो रहा है और हमें एनर्जी अगर बैलेंस लगाना है, तो एनर्जी बैलेंस लगाने के लिए मुझे फ्लक्स को रेट में चेंज करना पड़ेगा। तो हीट फ्लक्स को रेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हीट फ्लक्स हमारे पास में लिखा हुआ है, तो क्या है हीट फ्लक्स लिखा है दैट इज हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। तो हम यहाँ पर क्या कर लें, अगर हम यहाँ पर एरिया से ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, इनलेट का एरिया और एग्जिट पे एरिया दोनों ही एरिया की बात कर लें, तो ध्यान से देखो जरा हमारे पास ये इनलेट है, तो इनलेट के टाइम पे जो हीट फ्लक्स है, ठीक है, और इसमें अगर मैं क्या करूं, जो इनलेट का हमारा एरिया है अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मान लीजिए ये क्या बन गया, द हीट फ्लो रेट एट द इनलेट बन गया, क्या बन गया, ये बन गया हीट फ्लो रेट एट द इनलेट, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब हीट फ्लो रेट एट द इनलेट प्लस हीट जनरेटेड इज इक्वल टू होता है हीट फ्लो रेट एट द आउटलेट और रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मल एनर्जी। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बिकॉज हमसे स्टेडी स्टेट की अगर वो बात कर रहा है और यहां पर कहीं भी हीट जनरेट नहीं हो रही है, तो हमारे पास जो हीट इन होगी वही हीट आउट होगी, कितना होगा, इन इज इक्वल टू आउट। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इन इज इक्वल टू आउट मैंने लिख लिया उसको माइनस करके, तो माइनस अब हीट फ्लो हीट फ्लक्स एट द एग्जिट एक्स प्लस डी एक्स। अब इसमें क्या कर दूं, जो एग्जिट का एरिया है उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं,
जो एग्जिट का एरिया है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास में इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, और इसको इक्वल टू मैंने कर लिया जीरो। ये देखो समझ में आई इक्वेशन जो मैंने लिखी, तो ये एक्चुअली मैंने एनर्जी बैलेंस से ही आपके पास में क्या है, हीट फ्लो रेट दैट इज गेटिंग इन इज इक्वल टू हीट फ्लो रेट दैट इज गेटिंग आउट, उस इक्वेशन को मैंने लिख लिया। अब ध्यान से देखो जरा, अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ये मेरे पास तो लिखा हुआ टर्म है हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, अब इसको अगर मैं क्या करता हूँ इस पूरी इक्वेशन में जो चेंज इन लेंथ जो डेल्टा एक्स हमारे पास में या डीएक्स जो है मैं इसमें क्या इससे क्या करूंगा डिवाइड कर दूं, अगर इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं डीएक्स से डिवाइड कर दूं ठीक है ना, तो यहां पर भी मैं डीएक्स से डिवाइड कर दूं, यहां पर भी मैं क्या कर दूं अगर डीएक्स से डिवाइड कर दूं और यहां भी डीएक्स से डिवाइड कर दूं, तो क्या आने वाला है हमारे पास में, तो हमारे पास में कहीं ना कहीं क्या है हमारे पास में हीट फ्लक्स ओवर हमारे पास चेंज इन लेंथ का हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास पूरा चेंज को शो कर रहा है, जैसे कि हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन में देखते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी बन जाएगी, दैट इज आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ डी एरिया इनटू हीट फ्लक्स ओवर आ जाएगा डीएक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे बोलूं तो आपके पास में एरिया और फ्लक्स को आपको अगर बाई पार्ट अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप ऐसे ही करके लिखोगे ना, ये वही टर्म लिखा हुआ है तरह से आपके सामने, तो चेंज को शो कर रहा है ठीक है ना, तो वो टर्म हमारे सामने निकल के आ गया। या फिर अगर आप ध्यान से अगर देखो तो हमारे पास में कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज देखो जरा, एरिया और फ्लक्स एक दूसरे को आपस में कंपनसेट करके एक प्रॉपर्टी को कॉन्स्टेंट बना रहे हैं। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है खत्म करो, दूसरा तरीका समझो जरा। हमारे पास में इस वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया में एरिया और फ्लक्स, बिकॉज एरिया लगातार वेरी कर रहा है और एरिया के वेरी करने से हीट फ्लक्स हमारा वेरी कर रहा है, लेकिन एक प्रॉपर्टी अभी भी है जो कांस्टेंट है इस पूरे केस में, और वो हमारे पास में क्या है, वो है हीट फ्लो रेट। तो अगर आप ये बोलते हैं कि हीट फ्लो रेट हमारे पास में कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना, क्या है ध्यान समझना जरा, हीट फ्लो रेट हमारे पास में क्या है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो अगर आप हीट फ्लो रेट कांस्टेंट रखना चाहते हैं, छोड़ दीजिए सबको, कुछ नहीं लिखना आपको, आपको ये पता करना है कि हीट फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप हीट फ्लो रेट कांस्टेंट रखना चाहते हैं, देखो जरा ध्यान से, हीट फ्लो रेट अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हीट फ्लो रेट दैट इज गेटिंग इन इज इक्वल टू आएगा हीट फ्लो रेट दैट इज गेटिंग आउट, और ये हमें पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये लाइन। अब अगर कांस्टेंट अगर रखना है तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, इनलेट के टाइम पे जो हमारे पास हीट फ्लक्स है ना जी, और इनलेट के टाइम पे जो एरिया बन गया हीट फ्लो रेट, हाँ या ना, इनलेट के टाइम पे हीट फ्लक्स और इनलेट के टाइम पे एरिया, ये दोनों एक दूसरे को मिलकर के हीट फ्लो रेट की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू अगर मैं लिखूं हमारे पास एग्जिट पर जो हमारे पास हीट फ्लक्स है और एग्जिट पर जो हमारे पास एरिया है, तो फ्लक्स और एरिया जैसे हम बात करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया जब कॉन्सेप्ट को, मैंने समझाया था आपको कि जहां पर हमारे पास एरिया ज्यादा होगा वहां पर फ्लक्स कम हो जाता है, जहां पर हमारे पास में एरिया कम होगा वहां फ्लक्स बढ़ जाता है। सिमिलरली जैसे किसी पाइप के अंदर हमारे पास में जब एरिया ज्यादा होता है तो वहां पर वेलोसिटी कम हो जाती है, जहां पर एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ये एरिया और वेलोसिटी मिलकर के क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है उसको कॉन्स्टेंट बनाते हैं, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं, समझ में आ रहा है ना, सेम कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो अगर ध्यान से तो कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने हीट ट्रांसफर का कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखा है, जहां पर हमारे पास फ्लक्स और एरिया मिलकर के दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंपनसेट करके ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट को कॉन्स्टेंट बना दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है सभी को, तो हमारे पास ये वही इक्वेशन लिखा हुआ है और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। चलो जी हमारे पास में देखो जरा ध्यान से, अब हमारे पास इनलेट से लेकर के अगर मैं एग्जिट की बात कर रहा हूँ, तो इनलेट से एग्जिट की अगर बात कर रहा हूँ तो इनलेट के टाइम से लेकर के और एग्जिट तक हमारे पास एरिया जो है हमारा वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इनलेट के टाइम पर जो हमारे पास एरिया का आपका वेरी कर रहा है तो उसका इक्वेशन लिखिए। तो हीट फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करें, तो हीट फ्लक्स को हम अगर डिफाइन करने जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास में वैल्यू कैसे आती है इस हीट फ्लक्स की, ठीक है ना, फ्रॉम इनलेट से लेकर एग्जिट तक जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का के एंड द वैल्यू विल बी डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है ना, इनटू हमारे पास में क्या एरिया, बन गया हीट फ्लो रेट, आया ना, ठीक है। एग्जिट पर अगर बात करेंगे तो एग्जिट पर हमारे पास में क्या होने वाला, भाई देखो हमारे पास में
जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो हायर से लोअर की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में इनलेट से लेकर के एग्जिट तक में हमारे पास में टेम्परेचर का वेरिएशन होने से हमारा हीट का फ्लो होगा। ठीक है, ये हमारे पास बात हो गई आपका कहां पर, इनलेट पर इज इक्वल टू हमारे पास हीट फ्लक्स एट द एग्जिट, यही हमको निकालना है, और इनटू हमारे पास एग्जिट साइड पर जो एरिया है वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1 इनटू 0.1, यही है ना वैल्यू, एरिया की वैल्यू 0.1 इनटू हमारे पास में क्या है, दैट इज 0.1। ठीक है, अब ध्यान देखो जरा, नहीं सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने, देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास में वैल्यू कहां पर आ रही है, ये जो हम टर्म लिख रहे हैं अगर, तो हमारे पास में इनलेट और एग्जिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनके सिंबल चेंज कर लो, एक मिनट रुको जरा, इनके सिंबल चेंज कर लो बिकॉज कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे हमारे पास में इसको, या तो आई कर लो और इसको अगर हम क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनलेट से अगर हम एग्जिट तक अगर जा रहे हैं तो हमारे पास में जो कंडक्शन हमारे पास होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास में आप अगर एग्जिट तक जब जाएंगे तो हमारे पास में हीट का कंडक्शन होगा, तो ये जो मैंने टर्म लिखा है दैट इज फॉर योर एग्जिट, बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, तो ये एग्जिट के लिए है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इनलेट पर हीट फ्लो, हीट फ्लक्स, और इनलेट पर जो एरिया है, इनलेट पर एरिया है 0.05 इनटू 0.05, वैल्यू बिकम्स योर 0.0025। ठीक है ना, चलिए अब सही है, अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखो जरा, तो यहां से मैं काम कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, कंडक्टिविटी हमें पता है, एरिया हमारे पास यहाँ पर हमने निकाला है, यही एरिया हमारे पास में इनलेट से लेकर के एग्जिट तक पहुंचने में हमारे पास एरिया कैसे वेरी कर रहा है, वो एरिया हमने निकाल लिया है। ठीक है ना, क्या है हमारे पास एरिया, दैट इज माइनस का के डीटी ओवर डीएक्स, एंड एरिया जो हमने निकाला है वो कितना है, दैट इज 0.05 टाइम्स ऑफ 0.05 टाइम्स ऑफ 0.05 प्लस एक्स, ये हमने निकाला एरिया का वेरिएशन, इज इक्वल टू हमारे पास ये 0.0025 क्यू आई। ठीक है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट है, समझ आ रहा है। अब यहाँ के बाद क्या करना है, आपके पास सब कुछ पता है, कंडक्टिविटी हमारे पास मटेरियल की जो है वो गिवन है हमारे पास में है, एस्बेस्टस की है, डीटी ओवर डीएस के फॉर्म में लिखा है, इसको सिंपली क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके एक्स की लिमिट लगा करके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर की लिमिट हमको पता है, टेम्परेचर हमारा 600 से 300 वेरी कर रहा है, और एक्स हमारे पास में जो है वो क्या है, लेंथ जो हमारे पास में है वो 0 से लेकर 0.15 तक वेरी कर रही है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा इनलेट के टाइम पर जो हीट फ्लक्स है ये कैलकुलेट करके निकालना था, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर इनलेट के लिए हीट फ्लक्स जो है ना वो कैलकुलेट करके निकालना था बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं है, एक्चुअली यही गलती हो रही थी, इनलेट पर जो हीट फ्लक्स है वो हमें कैलकुलेट करके निकालना था, नॉट द एग्जिट। ठीक है ना, यहाँ पर हीट फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कितनी आएगी वो कैलकुलेट करना था, चलो जरा निकाल सकते हो, इसको आप सिंपलीफाई करते हैं जरा, यहाँ पर तो स्पेस नहीं बचा कहीं पर, अच्छा है अभी, ठीक है, कितना आ जाएगा, चलो सिंपलीफाई करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको आप सिंपलीफाई करने का ट्राई करते हैं, तो टेम्परेचर का लिमिट हमारे पास पता है, माइनस ऑफ टेम्परेचर का लिमिट बोल रहा है कहाँ से है, 600 से लेकर के और कहाँ तक जा रहा है, दैट इज चेंजिंग टुवर्ड्स द 300 तक। ठीक है, तो 600 से 300 टीटी इक्वल टू आ जाएगा, अब ये जो टर्म मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर मैं उधर अगर भेज देता हूँ तो ऑब्वियसली ये हमारे पास में कैसा है, ये हमारे पास अपॉन में आ जाएगा, ये जो टर्म है 0.0025 क्यू आई, ठीक है ना, और अपॉन में हमारे पास में कितना आ जाएगा, दैट इज 0.05, और इनटू हमारे पास में आ जाएगा दैट इज कनेक्टिविटी, तो 0.05 इनटू कनेक्टिविटी कितनी थी मटेरियल की, गिवन ही नहीं है आई थिंक क्वेश्चन के अंदर में, चलो इस क्वेश्चन को मैं अपडेट कर दूंगा बिकॉज इसमें मिसिंग है, कंडक्टिविटी शायद 0.73 समथिंग कुछ थी, आई थिंक 0.173 थी कंडक्टिविटी इसमें। अब क्या बचेगा, इंटीग्रेट कर देते हैं लेंथ के अलोंग 0 से लेकर के कहां तक, 0.15 तक, और वैल्यू हमारे पास में कितनी आ चुकी है, तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दैट इज dx ओवर 0.05 प्लस x। ठीक है, अब इंटीग्रेट करिए इसको फटाफट से और आंसर निकालिए यहां से,
करो बेटा फटाफट से, और यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए इसकी, इस हीट फ्लक्स की वैल्यू चाहिए। आप इंटीग्रेट करिए यहाँ से और फिर हीट फ्लक्स की वैल्यू निकालिए। हीट फ्लक्स की वैल्यू जैसे ही हमारे पास में आ जाती है, बताओ जरा कितनी आ रही है। जल्दी सॉल्व करके बताना कितनी आ रही है इस हीट फ्लक्स की वैल्यू, वॉट पर मीटर स्क्वायर आएगी, ठीक है ना। चलो ठीक, अब ये हीट फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से हमारे पास में यहाँ पर अगर देखें ध्यान से, तो हम यहाँ पर हीट फ्लो रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हीट फ्लो रेट पूरे ही हमारे पास वॉल में कॉन्स्टेंट रहेगा, रहेगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हीट फ्लो रेट हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना हीट फ्लो रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हीट फ्लो रेट हमारे पास आपका इनलेट टाइम पर हीट फ्लक्स आया है, यहीं पर एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास हीट फ्लो रेट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हीट फ्लो रेट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा इनलेट का जो एरिया है, दैट इज 0.0025 इंटू हमारे पास में कितना आ गया, दैट इज इनलेट का हमारे पास फ्लक्स, आप इससे मल्टीप्लाई करके आपका इनलेट के टाइम पर, या फिर हम बोल सकते हैं हीट फ्लो रेट, नॉट द इनलेट नॉट द एग्जिट, बिकॉज हीट फ्लो रेट पूरे ही टाइम हमारे पास में क्या है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास में हीट फ्लो रेट का वैल्यू भी आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है, इस क्वेश्चन को देख करके बहुत से लोग डरते रहते हैं, कहते हैं करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एरिया कैसे हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर, तो एरिया का प्रोजेक्शन आपको समझना है कि एरिया हमारा एक्स के अलावा कैसे वेरी कर रहा है। उसके अलावा हमने फिर कुछ नहीं किया, हमारे वही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि एरिया के वेरी करने से हमारे पास क्या होगा। तो अल्टीमेटली हीट फ्लो रेट तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना, तो मैंने एनर्जी बैलेंस लगा करके अब बस आपके सामने इक्वेशन वो लिख दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के साथ मूव करें, यहां तक अगर हो गया हो तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, दैट इज क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर, स्फीयर की बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है, 3.59 वॉट, ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, सही है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्फीयर के लिए हमारे पास में क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की वैल्यू, और सिलेंडर के लिए, तो सबसे पहले क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन में सिलेंडर के लिए ही पढ़ा था, तो सिलेंडर के लिए हमारे पास वैल्यू निकल करके आई थी, दैट वाज कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ओवर द आउटसाइड हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जो भी हमारे पास एम्बिएंट एयर है, एम्बिएंट एनवायरनमेंट है, उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा दिख रहा है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारे पास दिख रहा है, दैट इज हमारे पास सिलेंडर के लिए अगर हम बात करने जा रहे हैं तो वो हमारे पास में है, दैट इज के ओवर एच, ठीक है ना। अब दूसरा स्फीयर की अगर बात करते हैं, तो हमें पता है कि स्फीयर में 10 times ऑफ हमारे पास कंडक्टिविटी और हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना सा हमारे पास में चेंज रहेगा। नाउ क्रिटिकल रेडियस आर ऑफ इंसुलेशन ऑन अ पाइप इज गिवन बाय, क्रिटिकल रेडियस हमारे पास इंसुलेशन ऑफ द पाइप की फिर से बात कर रहा है, ठीक है। सारे सारे क्वेश्चन 1994 के हैं आपके, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में, दैट इज हमारे पास में आ जाएगा ए पार्ट, कितना आ गया, दैट इज के ओवर एच। पिछले वाले क्वेश्चन में एरिया स्क्वायर भी ले सकते हैं, है ना, एरिया स्क्वायर लिखा है, एरिया दूसरे क्वेश्चन का लिखा तुमने, एरिया टू लिखा है, वो 0.1 मीटर स्क्वायर की अगर बात करोगे, ठीक है, जो आपके पास फ्लक्स तुमने निकाला है, फ्लक्स तुमने निकाला है इनलेट पे, तो हीट फ्लो रेट निकालने के लिए इनलेट का ही एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है नीरव। तुमने जो फ्लक्स निकाला है वो इनलेट का फ्लक्स है, या तो तुम एग्जिट का फ्लक्स निकालो, लेकिन एग्जिट का फ्लक्स निकालें कैसे, बिकॉज जो कंडीशन हमारे पास दे रहा है, तुम हीट का जो फ्लो होगा वो हमारे पास में लोअर से क्या होगा, हाई टेम्परेचर की तरफ होगा, ठीक है ना।
तो हमारे पास में आपके पास, आप अगर एग्जिट का एरिया अगर लेके चलते हो तो फिर एग्जिट का फ्लक्स पता होना चाहिए, तो वो हमें निकालना टफ हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास हीट का फ्लो हाइयर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। तो आपने कंडक्शन इक्वेशन जो लगाई है वो आपने इनलेट से एग्जिट के बीच में लगाई है, ठीक है। चलो जी आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1996 आईआईटी बेंगलोर, अ थर्मोकपल जंक्शन में बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 mm विद थर्मल कंडक्टिविटी 30 W/m² एंड डेंसिटी इज गिवन, ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट इज 0.4 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द गैस स्टीम एंड द जंक्शन इज गिवन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द थर्मोकपल टू रिकॉर्ड 98% ऑफ द अप्लाइड टेम्परेचर डिफरेंस। फिर सर तो क्यू तो सेम है तो फिर होना चाहिए ना सेम आंसर। अरे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम समझने का ट्राई नहीं कर रहे हो। नहीं रहो, क्यू सेम है तो क्यू हमारे पास, जैसे आप एक काम करते हो, अगर थोड़ी तुमने अगर एफएम का तुमको नॉलेज हो, एफएम में आप क्या करते हो, सपोज मान लीजिए हमारे पास में कोई एक ऐसा क्रॉस सेक्शन का पाइप होता है, ठीक है, ऐसा एक वायरिंग क्रॉस सेक्शन का अगर आपके पास पाइप है, समझो ध्यान से, और तुमको क्या करना है, तुमको इस पाइप में क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है, क्यू निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये। तो इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को निकालने के लिए तुम क्या करोगे मेरे को ये बताओ जरा। तुमको यहाँ का डायमीटर सपोज मान लो पता है, तुमको यहाँ का डायमीटर पता है और तुमको यहाँ का डायमीटर पता है, दोनों डायमीटर पता है, एग्जिट और इनलेट का डायमीटर पता है, तुमको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम यहां पर किसी भी, ठीक है ना, किसी भी एक का आप क्या करोगे, किसी भी एक का वेलोसिटी पता करने का ट्राई करोगे, हाँ या ना। तो यहां पर तुम वेलोसिटी पता करने के लिए तुमने जो कंडीशन लिखी है, तो हमारे पास में ये है कि आप वेलोसिटी तब पता कर सकते हो कि वेलोसिटी का वेरिएशन कैसा हो रहा है। तो मेरे को ये बताओ जरा वेलोसिटी का वेरिएशन तुम कहां से पता करोगे, तो वेलोसिटी के वेरिएशन का अगर तुमको इक्वेशन पता हो कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है, वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी के वेरिएशन का अगर इक्वेशन तुमको पता हो, तो वेलोसिटी के वेरिएशन का अगर इक्वेशन पता होगा, सपोज मान लीजिए वी वेलोसिटी के वेरिएशन का इक्वेशन हमारे पास पता है, एक्स के साथ में वेरी कर रहा है, फंक्शन पता है, ठीक है, समझना ध्यान से। तो वेलोसिटी के वेरिएशन का अगर इक्वेशन हमको अगर पता है, तो आप यहां पर क्या करोगे हमारे पास में, तो यहां पर आप एल के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, पाइप के लेंथ के हिसाब से वेलोसिटी का पता कर सकते हो। तो हमने यहां पर क्या किया है, ध्यान से देखो जरा, तो हमारे पास में जो कंडीशंस गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास में जो वेलोसिटी निकल करके आ रही है वो है इनलेट की, एग्जिट की नहीं निकल रही है। तो जब इनलेट की वेलोसिटी पता चलेगी तो बेटा हमारे पास में आप इनलेट का डायमीटर, इनलेट का ही एरिया लेकर के तो क्या करोगे, फ्लो रेट निकालोगे, बिकॉज एग्जिट का हमारे पास में क्या है, एग्जिट का वेलोसिटी हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। और तो हमारे पास में क्या है, हमने इनलेट का वेलोसिटी निकाल करके और यहां से हीट फ्लो रेट निकाला। अब समझ आ रहा है वेंकट? इसके क्वेश्चन अलग लेवल के होते हैं वेंकट के, तुम भाई साहब बादाम बादाम खाना चालू करो वेंकट। हाउ वी विल नो दैट द कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑफ कन्वेक्शन, भैया सॉलिड के अंदर कंडक्शन ही होता है, कन्वेक्शन नहीं होता है, सॉलिड के अंदर कन्वेक्शन होता है, ठीक है ना, कन्वेक्शन नहीं होता है। तो हमारे पास जो कंडीशन हमारे पास में है, ये जो हीट फ्लक्स इक्वेशन आप देख रहे हो, ये का इक्वेशन जो हमारे पास में है इनलेट से एग्जिट के बीच में, ठीक है ना, तो हमारे पास में आपका एग्जिट तक पहुंचते पहुंचते जो हीट फ्लक्स हमारे पास में है, तो एग्जिट पर हीट फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ऑब्वियसली हमारे पास में दैट इज के डीटी ओवर डीएक्स, वो आ गई वैल्यू, और इनटू हमारे पास में क्या होगा आपका एरिया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो हमारे पास में एरिया जो आप लिख रहे हो, तो आप बोल लोगे कि सर ये एरिया हमारे पास में जो है, तो एरिया हमने एग्जिट का क्यों नहीं ले लिया। अगर तुमको ये कंफ्यूजन अगर लग रहा है, तो भैया ये एरिया हमारा इनलेट से एग्जिट तक वेरी कर रहा है, ठीक है, तो वो एरिया हमने यहाँ पर लिखा है वेरिंग क्रॉस सेक्शन। एग्जिट का एरिया अगर हम उठा करके ले लेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या है, फिर तो वैल्यू पूरी पूरी क्या होनी चाहिए, फिर वेरिंग क्रॉस सेक्शन की बात ही नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए हमको एरिया वो लेना पड़ा जो हमारे पास में क्या अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। अब समझ आ गया, वेंकट सुधर जाओ थोड़ा सा।
चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। हाँ, दोबारा से रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन। थर्मोकपल जंक्शन में भी अप्रोक्सीमेटेड एज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 mm, स्फीयर की बात कर रहा है, उसका डायमीटर हमें पता है, थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास पता है, डेंसिटी भी हमारे पास पता है, स्पेसिफिक हीट भी हमको पता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द गैस स्ट्रीम एंड द जंक्शन भी गिवन है, सारा का सारा डेटा हमारे पास गिवन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द थर्मोकपल टू रिकॉर्ड 98% ऑफ द अप्लाइड टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास में है, अप्लाइड टेम्परेचर डिफरेंस का 98% रीड करने में कितना टाइम लगेगा वही जानना चाहता है। ठीक है, तो जैसे तुम अभी तक करते आए हो तुम्हें वही काम यहाँ पर करना है, तुम्हें टाइम कैलकुलेट करके निकालना है, तुम्हें यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करके निकालना है। तो उसके लिए वैल्यू आप जो लेते हैं, दैट इज हमारे पास में रो कैटास्टिक लेंथ इनटू हमारे पास में क्या है, सी ओवर हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ln ऑफ थीटा आई ओवर थीटा, खत्म जी, सब कुछ हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, बस आपको अब करना क्या है, जब थीटा आप लेने जाएंगे, ध्यान से देखो जरा, जब आप थीटा लेने जाओगे तो थीटा के टाइम पर हमारे पास करना क्या है कि जो रिकॉर्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द थर्मोकपल टू रिकॉर्ड 98% ऑफ द अप्लाइड टेम्परेचर डिफरेंस, जो अप्लाइड हमारे पास टेम्परेचर था, ठीक है ना, उसका 98% हमारे पास में टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा है वो, तो जो इनिशियल टेम्परेचर था और जो हमारे पास में क्या है जो फाइनल टेम्परेचर की जो बात कर रहा है, तो इन दोनों को जब आप लिखने जाओगे, ठीक है, तो अगर इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास अगर टी आई था, तो जो फाइनल टेम्परेचर आप लिखने जाओगे तो उसमें आपको क्या करना है, उसका 98% मतलब 0.98 टाइम्स ऑफ टी आई, ठीक है ना, टी इनफाइनाइट हमारे पास में पता है, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है वो हमारे पास पता है, स्पेसिफिक हीट इज गिवन, 2 mm डायमीटर हमारे पास में है, या फिर ध्यान से देखो जरा, उसने ये बोल दिया हमारे पास में, आप इसको मत निकालो, डाटा आपके पास में नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका हमारे पास 98%, तो अगर हमारे पास में जो टेम्परेचर डिफरेंस थीटा आई है, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस जो थीटा आई है, इसका 98% पहुंचने में, मतलब थीटा आई का हमारे पास 98% पहुंचने पर, तो थीटा आई का जब थीटा आप लिखने जाओगे थीटा के टर्म में, तो उसका 98% तो हमारे पास टेम्परेचर का रेशियो आप यहां से ले सकते हो। ठीक है ना, यस 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 अविनल, बिल्कुल हमारे पास है, बिकॉज रीजन क्या है कि एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं दे रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, उसने टेम्परेचर डिफरेंस के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो हम उसका क्या कर लेते हैं 98%। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में 98% मतलब 0.98 टाइम्स ऑफ थीटा आई, खत्म चीज, सारा सारा डेटा आपके पास गिवन है, अपना डेटा में वैल्यू रखो और उसका आंसर निकालने का ट्राई करो फटाफट से। तो T इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा, डेंसिटी इज गिवन, दैट इज 8600, स्फीयर है, हमारे पास में कटर की लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज d बाय 6, 2 mm, 0.002 बाय 6 इनटू स्पेसिफिक हीट इज 0.4 इनटू 10 टू द पावर 3, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 280, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। ln ऑफ थीटा आई की अगर बात करने जाएंगे हमारे पास में ओवर 0.98 टाइम्स ऑफ थीटा आई, ठीक है ना, चलो सॉल्व करके निकालो कितना आंसर आ रहा है फटाफट से, जल्दी से बताओ जरा आंसर कितना आ रहा है। बड़ा उसी का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, जानी हम लोगों ने उसी का इस्तेमाल किया है, लंब पैरामीटर मॉडल का ही इस्तेमाल किया है, उसी का फॉर्मूला है ये, जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री समथिंग कुछ आ रहा होगा,
हाँ ठीक है, ब्रेल का आंसर आ गया है। ठीक है सही है, टी इज इक्वल टू 0.083 सेकेंड हमारे पास आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद में। ठीक है अभी सही लग रहा है, टाइम बच रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नोट करने का, झंझट नहीं तुम्हारे पास, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पास खाली टाइम रहता है, तुम क्वेश्चन बैठ के अटेंड भी कर सकते हो, जो तुमसे निकलने हैं ठीक है, जो नहीं निकलने हैं ठीक है। तो उसके लिए क्या है, फिर मैं तो हूं ही। जितने भी YouTube वाले स्टूडेंट हैं उनके पास भी PDF अवेलेबल है, ठीक है आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है, बस आपका फॉर्मेट थोड़ा सा दूसरा रखा गया, बाकी PDF आपके पास भी अवेलेबल है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। 1997 आईआईटी मद्रास। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोग्रेविटी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इज प्रोपोर्शनल टू, हम जब बात करते हैं आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो हमारे पास में द कंडक्टिविटी जो गैस की होती है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, फॉर्मूला याद है किसी को? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए हमारे पास में जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, किसी को फॉर्मूला याद है? कुछ बताया था मैंने, मास के टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में, कंडक्टिविटी की डिपेंडेंसी। फॉर्मूला चाहिए पहले, कितने लोगों को फॉर्मूला याद है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए कंडक्टिविटी हमारी टेम्परेचर मास पर कैसे डिपेंड करती है? रूट ऑफ टी है, ठीक है याद है काफी लोगों को। तो हम जब बात करते हैं किसके लिए, तो हम बात करते हैं पर्टिकुलरली आपका टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर हमारा जो है ना कंडक्टिविटी पर कैसे डिपेंड करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था, दैट इज सी के टी ओवर, ठीक है ये फॉर्मूला सबको ध्यान होगा। तो हमारे पास में क्या है, आपके पास में एटॉमिक मास, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन, ठीक है। तो उसने बोला हमसे क्या है, सिंपल से बात देखो जरा, तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो रूट ऑफ कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनल है, और उसने हमसे बोला कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली बात यह है कि कंडक्टिविटी का डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर देखना है, तो हमारे पास में दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा हमारे पास कंडक्टिविटी, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा हमारे पास कंडक्टिविटी, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। यस 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 वेरी गुड। चलो इसके नीचे कुछ नहीं है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर वेरिएशन इन अ प्लेन वॉल मेड ऑफ टू डिफरेंट सॉलिड्स वन एंड टू इज शोन बिलो, ये डायग्राम में थोड़ा सा इशू हो गया है, ठीक है ना, डायग्राम बहुत अच्छा था ये, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट होने की वजह से ये लाइन आपकी जो है ना वो यहीं से स्टार्ट थी, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस, किसी को लग रहा होगा ये ब्रेक कैसे हो रही है, तो ये लाइन कॉन्टिन्यूस थी, ठीक है ना, नहीं तो अगर ऐसे अगर दिखाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो हीट फ्लो रेट हमारा वेरी कर जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इस फिगर को करेक्शन हमारे पास में करना रहेगा, ये लाइन यहीं से स्टार्ट थी, ये लाइन एक्चुअली जो हमारे पास में था वो ऐसा ही था, ऐसा था, ऐसा कॉन्टिन्यूअस था ये, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी सब ठीक है। तो बात कर रहा है स्टडी स्टेट पे, तो ऑब्वियसली स्टडी स्टेट का मतलब हमारे पास सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारे पास में क्या है, हीट फ्लो रेट जो है ना इन दोनों स्लैब में कॉन्स्टेंट रहे, तो हीट फ्लो रेट को कॉन्स्टेंट करने का काम कौन करेगा, बिकॉज इसका भी लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ सेम है, थिकनेस हमारे पास सेम है। अब दो सॉलिड्स की अगर बात कर रहा है, देन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल वन, तो मटेरियल वन की जो कंडक्टिविटी है मटेरियल टू के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है, तो ऑलरेडी हम लोगों को एक चीज पता है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन, जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनी है, तो प्लेन वॉल केस में जो टेम्परेचर प्रोफाइल हमारे पास हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है,
इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास में एक चीज हम सबको पता है कि जिस पर्टिकुलरली हमारे पास स्लैब में फ्लैट प्लेट में प्लेन वॉल में जहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर हमारे पास हमें ज्यादा मिलता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर हमारे पास ज्यादा अगर मिल रहा है तो मोस्टली वहां पर कंडक्टिविटी हमारे पास लो होती है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि हमारे पास एज पर द लॉ क्यू इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, ये फ्लक्स इज इक्वल टू दैट इज हमारे पास माइनस के और डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके हमारे पास में, बिकॉज दोनों के लिए हमारे पास में फ्लो एरिया कॉन्स्टेंट है, सेम है, तो हीट फ्लो रेट हमारे पास अल्टीमेटली क्या है, हीट फ्लो रेट हमारे पास इस स्लैब और इस स्लैब में अगर कॉन्स्टेंट रखना है तो ये कंडक्टिविटी और टेम्परेचर ग्रेडियंट एक दूसरे को आपस में कंपनसेट करेंगे तभी पॉसिबल है। तो कंपनसेट का मतलब क्या है कि अगर किसी मटेरियल कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारे पास, ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, बहुत कम होगा, और किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी अगर कम है तो उसमें हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन वो बहुत ज्यादा होगा। तो जैसा कि वो हमसे बोल रहा है कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल वन, तो मटेरियल वन की जो थर्मल कंडक्टिविटी है एज पर द स्लोप ऑफ द लाइन, देखिए पता चल रहा है कि हमारे पास मटेरियल वन में जो टेम्परेचर का ड्रॉप है या ग्रेडियंट जो है हमारे पास में वो कैसा है हमारे पास में, तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है दैट इज हमारे पास लार्ज है ना। सोइल थर्मोकपल से पता चला ना कि लंग सिस्टम है, हाँ थर्मोकपल उसने इस्तेमाल कर लिया, थर्मोमीटर इस्तेमाल कर लिया, तो सारे ही हमारे जो है ना लंग पैरामीटर सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि हमारे पास मटेरियल वन की जो कंडक्टिविटी है वो मटेरियल टू से क्या है, कम है। ठीक है ना, कैसी है हमारे पास मटेरियल टू की कंडक्टिविटी, सॉरी मटेरियल वन की कंडक्टिविटी मटेरियल टू से हमारे पास में क्या है, कम है। ठीक है, तो आई थिंक द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल वन इज स्मॉलर देन द मटेरियल ऑफ टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलो जी आप ध्यान से देखो जरा आगे हमसे क्या बात कर रहा है, ए आएगा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप इन पार्ट वन इज मोर देन सेकंड पार्ट। हाँ शिवम वेरी गुड। नाउ इट इज प्रपोज्ड टू रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फर्नेस वॉल बाय डबलिंग इट्स वॉल थिकनेस एज शोन इन फिगर। क्या है, इट इज प्रपोज्ड टू रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फर्नेस वॉल बाय डबलिंग इट्स वॉल थिकनेस एज शोन इन फिगर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फर्नेस है तो उसकी वॉल का हम थिकनेस अगर क्या कर दे रहे हैं, जस्ट डबल कर दे रहे हैं, पहले एल था उसका हमने थिकनेस क्या कर दिया, 2L कर दिया। जो स्टार्टिंग हमारे पास टेम्परेचर है वो सेम है 723 केल्विन, अभी एंड टेम्परेचर 308 हमारे पास केल्विन था, जहां पर टेम्परेचर सरफेस का जो है 453 केल्विन था। एयर अभी भी हमारे पास में क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर तो सेम एनवायरनमेंट में ही होगा, लेकिन ये सरफेस का टेम्परेचर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमारे पास इम्पैक्ट करेगा। क्या इम्पैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास थिकनेस के बढ़ जाने से थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से जो टेम्परेचर ड्रॉप हमारे पास में होगा वो क्या होगा, वो भी हमारे पास बढ़ जाएगा, है ना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट सरफेस ऑफ द वॉल इज 723 केल्विन एंड इट लूजेस हीट फ्रॉम द अदर साइड एक्सपोज टू एयर 308 केल्विन। इन केस वन द टेम्परेचर ऑफ द वॉल सरफेस एक्सपोज टू एयर इज 453 केल्विन। यहां पर जो हमारे पास में था टेम्परेचर वो 453 केल्विन था। Estimate the percent reduction in heat loss due to the doubling of wall thickness. Simple सी बात होगी, मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास में जो heat loss हमारे पास में है तो पहले हमारे पास obviously heat loss ज्यादा हो रहा होगा, thickness कम थी, अभी हमारे पास में क्या है heat loss हमारे पास थोड़ा सा कम हो जाएगा because thickness बढ़ चुकी है, heat flow rate हमारा impact कर जाएगा ना resistance के बढ़ जाने से, तो resistance अगर बढ़ रहा है तो heat loss हमारे पास में heat flow rate क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो estimate the percent reduction in heat loss due to the doubling of wall thickness. Neglect the radiation losses and assume 1D conduction. Also assume the thermal conductivity of the furnace wall and the convective heat transfer coefficient to be constant. Conductivity जो है हमारे पास में दोनों ही केस में क्या है वो constant है, और heat transfer coefficient जो है ना हमारे पास में वो भी हमारे पास में क्या है constant है। इस system में arithmetic mean of surface temperature ग्रेटर आएगा इंटरफेस से, किसकी बात कर रहे हो बेटा शिवम, चलो निकालने का ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, निकालने का ट्राई कर लो फटाफट से।
हिंट मैंने आपको दे दी है कि एक्चुअली हमारे पास में क्या होने वाला है, हीट लॉस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। क्या हुआ 17 में? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? इस सिस्टम में अर्थमेटिक मीन ऑफ सरफेस टेम्परेचर ग्रेटर आएगा ना इंटरफेस से। अच्छा, इंटरफेस टेम्परेचर की तुम बात कर रहे हो। ऑब्वियसली हमारे पास में, ठीक है ना, कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड मटेरियल इज मोर देन फर्स्ट मटेरियल, अर्थमेटिक मीन हमारे पास ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, तो वहां की बात कर रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो निकालो फटाफट से। हाँ फर्स्ट केस में हमारे पास देखो सारा का सारा खेल जो है थिकनेस का है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में हमारे पास में थिकनेस क्या थी, पहले एल थी, सेकंड केस में थिकनेस जो है वो 2L हो चुकी है। तो जो हमारे पास कंडक्शन रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहीं से निकालना है हमारे पास में। जो हमारे पास हीट फ्लो रेट इज इक्वल टू, हम बात करते हैं दैट इज डेल्टा टी अपॉन हमारे पास में क्या है, आर टोटल की बात की जाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो हीट फ्लो रेट, उसने बोला है कि जो परसेंट रिडक्शन हमारे पास मिलने वाला है, तो हीट फ्लो रेट के केस में जो परसेंट रिडक्शन हमारे पास आएगा, तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस ओवर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस हमारे पास में था, दैट वाज था एल ओवर के इन टू ए, ठीक है ना। एंड सेकेंड केस में रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज एल की जगह 2L ओवर आ जाएगा के इन टू ए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो हीट फ्लो रेट में जो रिडक्शन मिलेगा, तो रिडक्शन परसेंट रिडक्शन समझते हो ना, हमारे पास में दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर हमारे पास में क्या है, फाइनल वैल्यू। तो यहां से हमारे पास में परसेंट रिडक्शन आपको निकालना पड़ेगा। निकालो फटाफट से। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास सेम है, ठीक है ना, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास में सेम है। शिवम का आंसर आ गया, बाकी लोग भी आंसर निकालो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा लेना, ठीक है, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट काम है, तो इस क्लास को मैं यहीं से आज खत्म कर रहा हूँ। इसका आंसर आप निकाल लेना, ठीक है। कल मैं इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 से मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल के ट्राई कर लीजिएगा। तरीका मैंने आपको बताया है अभी आपको, ठीक है ना, उसी पर्टिकुलरली बेस्ड मेथड पर बेस्ड आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, बस ध्यान रखना, जो मैंने मेथड बताया है, दैट इज हमारे पास हीट फ्लो रेट जो डिपेंड करेगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हमारे पास वॉल में बढ़ रहा है, तो हीट फ्लो रेट ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है। चलो अच्छा, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबको पता है कि आपका कल इवनिंग से प्राइम कोर्स के अंदर में सलेन सर ने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो सीआरई जो आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक प्राइम कोर्स में सीआरई अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो ये गलती मत करिए, बिकॉज आपको पता है
कामकार इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट जो है वो आपका है सीआरई। ठीक है, लाइव ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है तो लाइव ज्वाइन करिए और ये मौका मिस मत कीजिए, क्योंकि सीआरई के अंदर में सीआरई किंग से अच्छा कॉन्फिडेंस आपको कोई भी दिला नहीं सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा भी दीजिए। जो लोग भी सीआरई करना चाह रहे हैं तो फटाफट से अपना लाइव जो है ना बैच ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, कितना आ रहा है? 23.148। हाँ, लगभग इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो कल मैं इसके क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, फर्दर कंटिन्यू करूंगा। आज इस क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। और गुड न्यूज आप सबको मिल चुकी होगी कि एनपीसीआईएल के अंदर में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बल्क में इस बार निकल करके आने वाली है। कल ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो। भैया अपने पास तक वीडियो बचा के मत रखा करो, उसको शेयर भी किया करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तुमको क्या लगता है, नहीं मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ठीक है ना, तो कंपटीशन बढ़ेगा नहीं? तो कंपटीशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है, तुम अगर नहीं बताओगे तो कोई ना कोई और तो बता ही देगा। ठीक है, चलो अच्छा, तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर। अब आपसे अगली मुलाकात जो होगी कल मॉर्निंग में होगी एट द 7 AM। बाकी जो मेरे साथ में प्राइम फोर्स कर रहे हैं तो वो इवनिंग में हीट ट्रांसफर के लिए मेरे से मुलाकात करते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।